नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं रंजीत सिंह भाव राजपूत। आप देख रहे हैं स्कूल पल्स। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो स्कूल्स की हालत काफी खराब, जिसमें बीते दिन की बात करें तो कठुआ जिला सब डिवीजन बसौली पंचायत जानो के सरपंच किरण बाला, जिन्होंने एक स्कूल में विजिट की, पीएस तरमोई, जहां पे सुबह के टाइम 8 बजे के करीब उन्होंने विजिट किया और वहां पे जो 2 टीचर अपॉइंट थे उनमें से एक भी टीचर वहां पे प्रेजेंट नहीं था। और वीडियो में भी उन्होंने दर्शाया है, उन्होंने वीडियो बनाई है जिसमें वहां के बच्चे ही स्कूल संभाल रहे। और आगे की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि ऑडियो क्लिप में कि किरण बालाजी ने क्या रिपोर्ट दी है, कि क्या कंडीशंस थी, आप खुद उनकी जबानी सुनिए। और आफ्टर दैट सीईओ कठुआ से भी बातचीत की गई, जिसमें उनसे ये आश्वासन लिया गया कि अगर दोबारा इस तरीके से कोई भी इस तरह की कोई कंडीशन होती है और वो क्या स्टेप लेंगे, आप ये की जबानी सुनिए। थैंक यू सो मच। सर वो मेरा प्राइमरी स्कूल है विलेज दन्ना, वार्ड नंबर 5 का है। वार्ड नंबर 5? हाँ, प्राइमरी स्कूल तरमोई। तरमोई, तरमोई हाँ हाँ हाँ। ओके मैम, क्या कंडीशन थी मैम इस स्कूल की, मैं ये बताएं। सर जहाँ पे बहुत 2009 का जो स्कूल खुला हुआ है जी, तो उस टाइम के 2 टीचर लगाए हुए थे, उन्होंने पता नहीं कौन से बेस पर लगाए थे, 2 टीचर लगाए थे ऑलरेडी। तो वहाँ की स्ट्रेंथ थी तब तक बच्चों की 20 जी, 20। तो फिर ऐसे ही चलता रहा, जैसे स्कूल अच्छा चल रहा था जी। मेरी पंचायत में 12 स्कूल है, 12 स्कूल है, मेरे हाई स्कूल है, 2 बाकी मिडिल स्कूल है, फिर प्राइमरी स्कूल है जी। तो उन स्कूलों में से जो स्कूल टॉप आता था। ओके okay. अच्छा चल रहा था ठीक। तो उसके बाद से अचानक से जे क्या हुआ कि एक साल से कुछ ऐसा हो गया कि नजर लग गई है किसी की, जहाँ इनको जे परमानेंट हो गए हैं, तो इनको पता नहीं हवा लग गई है, क्या हो गया पता नहीं है। ओके okay. तो फिर इन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया है। मैं एक मैडम है, वो कभी बहाने लगाती है, उधर जाके है स्कूल में जो है स्टाफ की जो है बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बच्चे जो है 30 हो गए अभी स्ट्रेंथ है जहाँ की 38 जो 38 के करीब बच्चे हैं। और उसके बाद से जो 2 टीचर हैं वो एक को अटैच कर दिया है हाई स्कूल जानू ठीक। तो एक बच्ची तो वो बैठ गई छुट्टी पे। ओके। तो दूसरा उठाया मेरा मिडिल स्कूल है दन्ना, वहां से टीचर को करते हैं जो अटैच स्कूल तरमोई। ओके। वो बिना बताए, मुझे नहीं पता उन्होंने स्कूल में कोई भी कुछ नहीं लगाया था, एप्लीकेशन वगैरह जो छुट्टी या लीव कुछ नहीं लगाया उन्होंने, ऐसे चले गए थे। जब आप ये वहां पे जब आपने विजिट किया स्कूल में एट अ टाइम इंस्पेक्शन की, उस टाइम कितने बजे टीचर आए थे वहां पे? सर वहां से मैं 8:30 बजे के करीब मैं जहां से मेरे घर के 50 मीटर की दूरी पे आया स्कूल। ठीक है मैम। हाँ तो मैंने सुबह से देख रही थी कि टीचर जाते हैं, मैं देख रही थी उनकी राह कि बच्चे चले गए हैं स्कूल। मुझे वहाँ के जो स्कूल के पास ही घर है लोकल, उन्होंने मेरे को फोन किया कि मैम आज नहीं, आज 1 महीना होता आ रहा है, बट जहाँ पे नई मैडम आ रही है तो ना, तो जहाँ पे सिर्फ कुक आती हैं, बच्चे आते हैं बैठते हैं और चले जाते हैं, मतलब कुक आते हैं खाना बना के बच्चे खा पी के वापिस वापिस चले जाते थे, मतलब स्कूल में टीचर कोई भी नहीं आ रहा था। नहीं, अपनी मर्जी से आते जाते हैं, अपनी मर्जी से आना जाना है, खोलना है जो नहीं खोलते हैं जे नहीं मेरे को पता, अटेंडेंस कैसे लगाते हैं, अपना रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं मुझे नहीं पता, ये तो मुझे कल ही पता चला क्योंकि मैंने विजिट की ना वहाँ पे जाके। ठीक ठीक ओके। हाँ तो फिर मैं वहाँ पे जाके देखा तो जे था उस दिन पूरे दिन में कोई टीचर नहीं आया वहाँ पे। सर टीचर आया 11:00 बज के कुछ मिनट पर।
ओके 11 बज के कुछ मिनट, ओके लगभग 11 बजे, ठीक है, हाँ ओके तो मैं फिर मैंने पहले वेट किया, मैंने वेट भी किया, फिर भी वेट किया, 8:30 बजे की बैठी हुई थी, फिर मैंने 9:30 बजे एडीसी बिसोली को कॉल किया। जी मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे स्कूल है जहाँ पे नहीं तो जहाँ पे टीचर है कोई, तो इसका क्या था, बोलते वो मुझे ऐसे ऐसी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने, ने आपको क्या हक है, आपको क्या हक है बोलने का, आप लोगों ओके को तो भड़काते हो, जे करते मुझे हो। निकालना है मैंने टीचर बोला का, इसलिए बोला। अच्छा तो सर जी इस तरह के काफी स्कूल्स होंगे जिनमें इस तरह के टीचर इस तरह नहीं, ही आते होंगे क्या सर? आपके माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे आप मेरे ऐसा चैनल को? नहीं है, कहीं सिंगल टीचर की प्रॉब्लम होती है, जहाँ कहीं कहीं बीएलओ की एंगेज हुआ है इलेक्शन में, उससे प्रॉब्लम होती है, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं होता कि तो सर आप ऐसा मुझे किसी। बताएं कि कितने रोल कॉल पे कितने टीचर होते हैं? क्या ये कोई तो वो नहीं है कि 15 से 20 पे तो हमें टीचर देना होता है, अच्छा, 15 के रेशो 15 के रेशो पे वन टीचर, ठीक। पे ओके तो यहाँ पे 38 रोल कॉल है। तो सर यहाँ से टीचर भी आपने मतलब जी। अटैच किया हुआ है, तो सर ऐसा हाँ क्यों? मैंने मैंने नहीं अटैक किया, वो रैशनलाइजेशन में इधर उधर किया होगा, वो हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, ओके सर, वो ओके ठीक रैशनलाइजेशन जो कम्प्लेक्स सिस्टम में है, कम्प्लेक्स है सर, ठीक है। सिस्टम में जो अप्रूवल है कि नीड बेस पे, जहाँ कहीं छुट्टी पे कोई चला जाता है, जैसे 3 महीने कोई चाइल्ड केयर लीव या मैटरनिटी लीव या कोई मेडिकल लीव, तो उसको जी ओके रैशनलाइजेशन में टीचर को इधर दूसरे स्कूल में एंगेज किया जाता है, ऐसे अटैचमेंट नहीं की जाती है। ठीक है। तो अब वो एक सिस्टम है जो अटेंडेंस का, वो किस तरह मेंटेन करते हैं वहां पे टीचर? ऐप अटेंडेंस ऐप, ये की अटेंडेंस ऐप तो वो तो घर से भी कर सकते होंगे सर, इसका मतलब कि वो अटैच। कोऑर्डिनेट हुआ है उसका, वो दो अच्छा सौ 100 मीटर स्कूल से बाहर नहीं जा सकता, वो नहीं कर सकता, लॉन्गिट्यूड ओके एटीट्यूड के साथ वो फिक्स है, स्कूल ठीक है की लोकेशन के साथ जुड़ उसके साथ।